आप देख रहे हैं आप पर हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। भाइयों चलते हैं लोग सर की वीडियो डिफेंस डिटेक्टिव की। ईरान ने फिर पाकिस्तान को ठोक दिया। क्या बात वैसा है चले वीडियो देखते हैं। बात नहीं वीडियो देखते हैं फिर इस पर मजीद बात करते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। हाँ भाई पाकिस्तानियों, स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ईरान की तरफ से एक बार फिर खबर आ गई है जी, पाकिस्तान के साथ ईरान ने एक बार फिर खेला कर दिया है। ईरान ने पाकिस्तान को एक बार फिर जबरदस्त पटखनी दी है। ऐसा धोबी पछाड़ मारा है कि बेचारा पाकिस्तान अब दुनिया भर में एक बार फिर मुंह दिखाने का लायक नहीं बचा है। एक्चुअली ईरान ने एक बार फिर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर डाली है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो उन तमाम पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल पर आने वाले हाई प्रोफाइल हाईली एजुकेटेड एक्सपर्ट्स से मेरा सवाल है, जो ये कह रहे थे कि ईरान और पाकिस्तान के बीच जो होना था वो हो गया जी, अब ये बात आगे नहीं बढ़ेगी, कुछ नहीं होगा, आपस में बात हो गई है, मामला रफा दफा हो गया है जी। तो जनाब अब बताइए, ईरान ने फिर क्यों ठोक दिया पाकिस्तान को? मैंने अपने वीडियो में तब भी कहा था कि मामला शांत हुआ नहीं है, बात अभी आगे और बढ़ेगी। पर आप ठहरे पाकिस्तानी, इतना हाई प्रोफाइल होने के बाद भी, इतना हाईली एजुकेटेड होने के बाद भी दिमाग का इस्तेमाल तो आप लोग करते नहीं है ना, क्योंकि दूर का विजन नहीं है ना आपके पास। फ्यूचर को एनालाइज करना अगर सबके बस की बात होती तो आज पाकिस्तान प्लूटो पर जाकर ना बैठा होता। हम तो अभी मार्स तक ही गए हैं, आप प्लूटो पर पहुंच गए होते। पर क्या करें, पाकिस्तानी हैं ही ऐसे। तभी तो एक बार फिर बेचारे ईरान की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को आपको डिफेंड करना होगा, अपनी सेना को बचाने में लगना होगा। ईरान के लीडिंग न्यूज़पेपर तेहरान टाइम्स की इस रिपोर्ट को देखिए, क्या लिखा है ध्यान से पढ़िए। लिखा है ईरान ने जैश-ए-अदल के रिंग लीडर को मार गिराया है, मतलब एक तरह से उनके कमांडर को मारा है। लेकिन दोस्तों इस हेडलाइन से बड़ी खबर तो कुछ और है, और वो खबर यह है कि तेहरान टाइम्स ने लिखा है कि ईरान के सिक्योरिटी गार्ड्स ने जैश-ए-अदल टेररिस्ट ग्रुप के कमांडर इस्माइल शाहबख्श को पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा है। खबर तो यह है। ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश का ये ट्वीट भी देखिए, ब्रेकिंग न्यूज है। लिखा है ईरान के मिलिट्री फोर्सेस पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसी, एक आम क्लैश हुआ और जैश-ए-अदल के कमांडर इस्माइल शाहबख्श और उसके कुछ साथियों को मार गिराया। दोस्तों ईरान की सर्जिकल स्ट्राइक ठीक वैसी थी जैसी सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने 2016 में की थी। उरी में पाकिस्तानी आतंकवादियों के हमले के बाद भारतीय सेना के स्पेशल कमांडो ग्रुप ने पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में घुसकर टेररिस्ट के लॉन्च पैड्स पर अटैक किया था, और एक दो नहीं बल्कि उनके पाले हुए करीब 40 आतंकवादियों को मार गिराया था। तब भी पाकिस्तान की खूब फजीहत हुई थी। पहले तो वो भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के दावों को झूठा बताता रहा, लेकिन बाद में यूएन की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की, जिसे बाद में पता चला कि यार सर्जिकल स्ट्राइक तो हो गई है। अच्छा, फजीहत तो पाकिस्तान की तब भी हुई थी जब ईरान ने इसी साल जनवरी में उसके ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी थी, मिसाइल और ड्रोन अटैक्स किए थे। तब पाकिस्तान की इतनी थूथू हुई थी कि बाहर तो छोड़िए, खुद पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना और उसके एयर डिफेंस सिस्टम पर सवाल उठने लगे थे। इतनी बेइज्जती होने लगी कि जो रिजर्व में पेट्रोल डीजल रखा था उसमें से निकालकर पाकिस्तानी सेना ने ईरान पर 2-4 रॉकेट मार दिए, जिससे आवाम का गुस्सा शांत हो और वो फक्र से कह सके कि देखो भाई, पाकिस्तानी फौज ने करारा जवाब दिया है। जो थप्पड़ ईरान की तरफ से पाकिस्तान को पड़ा था, बदले में हमने भी एक थप्पड़ ईरान को मार दिया है। इसलिए उसने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक करके किसी तरह अपनी लाज इज्जत जो भी कहें आप उसे बचाने की कोशिश की थी। तब पाकिस्तान के लोग बहुत चौड़ में थे, ताल ठोक रहे थे कि ईरान को ऐसा सबक सिखाया है अब वो मुड़कर भी पाकिस्तान की तरफ नहीं देखेगा। लेकिन ईरान
ने पाकिस्तान की तरफ ना केवल मुड़कर देखा है जनाब, बल्कि बाह मरोड़ दी है इस बार। एक बार फिर से पूछिए मत। जैश अल अदल एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है। पाकिस्तानी आर्मी की सरपरस्ती में इस आतंकवादी संगठन ने बलूचिस्तान में ईरान के बॉर्डर के पास अपना बेस बनाया हुआ है। यहीं से वो ईरान में जो है वो आतंकवादी गतिविधियों को ईरान के भीतर अंजाम देता है। वो पाकिस्तानी सेना की शह मिली हुई है। ईरान ने पाकिस्तान को कई बार कहा कि भाई जैश अल अदल को लेकर मैं चेतावनी देता हूं, ठीक करो। साफ साफ कहा था कि अगर पाकिस्तान जो है जैश अल अदल पर एक्शन नहीं लेता है तो ईरान को कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो कार्रवाई हो गई, दो दो बार हो गई, बहुत लफड़े के बाद भी हुई। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान ने जैश अल अदल पर कोई कार्रवाई की होगी? अरे भाई, अगर की होती कार्रवाई तो ईरान को ना तब एयर स्ट्राइक करनी पड़ती और ना ही अब सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ती। तो हुआ ये कि ईरान को समझ में आ गया कि उसके शिया स्टेट के खिलाफ सुन्नी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जैश अल अदल पाकिस्तान का एक टूल है और पाकिस्तान इस टूल का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर रहा है, तो अपने ही टूल के खिलाफ पाकिस्तान क्यों एक्शन लेगा? तो लगातार हो रहे आतंकवादी हमलों से ईरान के सब्र का बांध टूट गया और उसने पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर एयर स्ट्राइक करा ली। 16 जनवरी को ईरान ने पाकिस्तान के पंजगुर में कोहे सब्ज को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ मिसाइल दागी थी। और इतना ही नहीं, ईरान के ड्रोन्स भी पंजगुर पहुंच गए और कई टारगेट्स पर अटैक किया था। तो ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही ना कि ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन्स को काउंटर करना तो छोड़िए, पाकिस्तानी एयर डिफेंस, उनको तो पता ही नहीं लगा, उन मिसाइल्स और ड्रोन का पता ही नहीं लगा पाया। और अब बात चीन तक पहुंच गई, क्योंकि पाकिस्तान में लगे ये एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं वो चीनी है ना, चीनी माल है। यानी ईरान के इस अटैक ने ना केवल पाकिस्तान के बल्कि उसके आका चीन की भी पोल खोल दी। तो मरता क्या ना करता, पाकिस्तान ने 18 जनवरी को ईरान पर काउंटर अटैक किया था, वो तो ईरान ने समझदारी दिखाई, वरना अगर उस समय ईरान भी पलटवार कर देता तो पाकिस्तान को ना चीन बचा पाता और ना ही अमेरिका। तब दोनों देशों के बीच तनातनी के बाद समझौता हुआ कि चलो जी बात खत्म की जाए, ऐसा कहा गया, दिखा ऐसा, एक थप्पड़ तुमने मारा, एक थप्पड़ मैंने मारा, हिसाब बराबर। लेकिन ईरान को तो दूसरा हिसाब किताब करना था, उसने मौके का इंतजार किया और इस बार एयर स्ट्राइक के बदले सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तान के अंदर घुसकर तो ईरान का दावा है कि उसके सिक्योरिटी गार्ड्स ने सर्जिकल स्ट्राइक को ना सिर्फ अंजाम दिया है बल्कि अपने मिशन का ऑब्जेक्टिव भी पूरा किया। आपको मैप के जरिए थोड़ा बहुत बता देता हूं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि ईरान की आर्मी ने इस ऑपरेशन को किया कहां है और कैसे किया। तो ये है ईरान का मैप, इसमें आपको जो हाईलाइट किया हुआ इलाका नजर आ रहा है वो है ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान रीजन। ये इलाका पाकिस्तान के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। नाम से आप समझ गए होंगे कि जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि बलूचिस्तान का इलाका जो है वो तीन देशों के बीच बटा हुआ है, ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फोर्सेस ने सिस्तान बलूचिस्तान जो ये वाला एरिया है ईरान का, वहां से पाकिस्तान में एंट्री ली, वो आगे बढ़ते हुए अपने टारगेट तक पहुंचे। हालांकि अब तक ये नहीं बताया गया है कि वो टारगेट पाकिस्तान की सीमा के कितना अंदर था, लेकिन ईरानी फोर्सेस ने दावा किया है कि उसने जैश अल अदल के बेस को घेर कर हमला किया और इस अटैक में कमांडर इस्माइल और उसके कई साथी जो हैं वो मार गिराए गए, पाकिस्तानी सरजमीन पर मार गिराए गए, पाकिस्तान में घुसकर मार गिराए गए। और इस हमले का पता पाकिस्तान को कब चला? जाहिर है जब ईरान ने बताया। ईरान के फौजी पाकिस्तान के अंदर गए, वहां अटैक किया, आतंकवादी को मारा, वापस आ गए। अब ये कोई 5-10 मिनट वाला मामला तो होगा ना भाई, इसकी प्लानिंग होती है, टाइम लगता है, घंटों का समय लगा होगा, फिर दोनों तरफ से फायरिंग हुई होगी, लड़ाई चली होगी, तब जाकर मिशन पूरा हुआ होगा। तो इसके बाद ईरानी फौजी अपने बॉर्डर में लौटे होंगे, तब तक आसिम मुनीर के फौजी क्या कर रहे थे भाई, नंबर वन एजेंसी ISI क्या कर रही थी? इस बार भी उसे ईरानी फौज के एक्शन की भनक तक नहीं लगी, यानी इस बार भी मुनीर एंड कंपनी ईरानी अटैक का पता लगाने में फेल हो गई। वैसे वो इमरान के आसपास लगे होंगे कहीं पे। वैसे आपको बता दूं कि ईरान ने इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर घुसकर जो है ऑपरेशन को अंजाम दिया है और पाकिस्तान का तो हमलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पाने की हिस्ट्री रही है। ईरान ने एयर स्ट्राइक किया, फिर सर्जिकल स्ट्राइक की, भारत ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर एयर स्ट्राइक की, अमेरिका ने तो पाकिस्तान में घुस कर लादेन को मार डाला और पाकिस्तान को किसी भी अटैक का पता नहीं चला। इस बार भी वही हुआ,
लेकिन अब पाकिस्तान क्या करेगा? 16 जनवरी को ईरान के अटैक के बाद पाकिस्तान ने 18 जनवरी को काउंटर अटैक किया था। एक महीने से कुछ ज्यादा वक्त हो गया है और ईरान ने इस बार पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे डाला है। तो अब भाई सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान इस बार भी रिटेलिएट करेगा? क्या जवाबी कार्रवाई करेगा? और करेगा तो करेगा क्या? क्या अभी वो ईरान में अपनी फौज भेजेगा या फिर दो चार रॉकेट मारकर हिसाब बराबर करने का काम कर लेगा और बोलेगा कि देखो जी फिर तुमने एक बार थप्पड़ मारा, फिर मैंने भी एक बार पलटवार में थप्पड़ मार दिया, अब चलो जी फिर से हिसाब बराबर। तो दोस्तों ऐसा है कि पाकिस्तान हर तरफ से लतियाया जा रहा है। अफगानिस्तान से जब चाहे टीटीपी वाले आते हैं पाकिस्तान में घुस जाते हैं और पाकिस्तानी फौजियों को ठिकाने लगा देते हैं। ईरान भी लगातार पाकिस्तान के अंदर घुस रहा है, घुस घुस कर ठोक रहा है। और भारत ने तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके पहले ही बता दिया है कि भाई पाकिस्तान समझ लो अगली बार करोगे तो इससे भी बड़ा काम करेंगे हम। समझ रहे हैं ना? यानी पाकिस्तान को तीनों तरफ से जूते पड़ रहे हैं, तीनों बॉर्डर की तरफ से। वजह क्या है? वजह बस एक ही है कि पाकिस्तान को उसका कोई पड़ोसी जो देश है वो पसंद नहीं करता। और क्यों पसंद नहीं करता है? पाकिस्तान की हरकतों की वजह से पसंद नहीं करता है, पाकिस्तान के टेरर लव की वजह से पसंद नहीं करता है। किसी भी पड़ोसी देश से उसकी इसलिए नहीं बनती है क्योंकि वो डबल गेम खेलता है। उसने यही गेम भारत के साथ खेला, ऐसा ही गेम अफगानिस्तान के साथ खेला, और वो ठीक यही गेम ईरान के साथ खेल रहा है। तो तीनों तरफ से भैया लतियाए तो जाओगे, और यही वजह है कि उसे हर तरफ से ठोका जा रहा है। और एक बात मैं और बता दूं दोस्तों, ईरान की मीडिया ने तो इस सर्जिकल स्ट्राइक की खबर पब्लिश कर दी, उसके आधार पर इंडियन मीडिया ने भी खबर दिखा दी, मैंने भी वीडियो बना दिया। लेकिन जब तक अब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक पाकिस्तान की प्रिंट मीडिया, पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया छोड़िए सोशल मीडिया पर भी कोई सांस नहीं ले रहा है। कोई नहीं कह रहा है कि ईरान ने अटैक कर दिया, खबर को दबा दिया। भाई शायद मुनीर साहब के ऑफिस से ऑर्डर नहीं आया होगा। तो दोस्तों आप बताएं वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। और जिन लोगों ने डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, आप सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आपको फौरन मिल जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों वीडियो हो गई खत्म। यकूब भाई ये सच ही है मेरे ख्याल में, आज मैं भी सोच रहा हूँ। सच ही नहीं हकीकत है, हुआ ऐसा। तो पाकिस्तान फिर क्या, फिर रिटेलिएट करेगा? मैं तुम्हें बताता हूँ क्या ना, ईरान की आर्मी ने किया है। किसने किया था? ना पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर हुआ है। बलोचों ने बलोचों के ऊपर किया है। जो ईरान के अंदर बलोच बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान के अंदर बलोच भी बैठे हुए हैं। ठीक है, पहले भी इनकी वजह से जो फायरिंग हुई थी पाकिस्तान ने मुतबादल किया था, 9 बंदों का वो मर गए, वो भी बलोच ही थे जो मरे थे, जो इधर मरे थे बलोच थे। अब भी जो मरे हैं वो बलोच ही हैं। मैं तुझे ये बताऊं, अच्छा कोई आर्मी के ऊपर अटैक नहीं हुआ? नहीं, लेकिन उन बलोचों का टारगेट सीधा सीधा है हमारी आर्मी, क्योंकि उस पाकिस्तान के हमले के बाद आपको पता है कि नहीं, पाकिस्तान एक चौकी के ऊपर भी हमला हुआ था, पाकिस्तान की एक चौकी के ऊपर भी, उसमें आर्मी के जवान भी तकरीबन 9 के कितने शहीद हो गए थे। एक पुलिस वाले के थे, उनको पकड़ के भी उन्होंने पकड़ लिया, फिर उन्होंने कुछ देर बाद छोड़ दिया। यकूब भाई वो लोग सर और भी क्लेम कर रहे थे, वो सच में सबूत भी देख ले, अकेला वो सबूत भी दे रहे थे कि उड़ी के इंसिडेंट के बाद 2016 में इंडियन ने स्ट्राइक किया था पाकिस्तान के अंदर घुसकर, तो पाकिस्तान वो आर्मी के ऊपर थोड़ी किया था, 38 जो थे मिलिटेंट वो जिनके ऊपर किया था वो पता नहीं 40 थे या 40 से कम थे या ज्यादा भी हो सकते हैं, हुआ था बिल्कुल हकीकत है। तो नहीं पाकिस्तान क्या, आप जिस तरह पिछली दफा हुआ पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की ईरान ने, तो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, जवाब दिया पाकिस्तान घुसकर, पाकिस्तान ने भी किया, वो लोग सर बताया हमने, हमें सर को पता लेकिन 2-4 बच्चे उनके शहीद हो गए, मैं तो उनको शहीद ही हो गया, 2 थे या 3 थे। तो क्या आप फिर पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा? नहीं, करना चाहिए कि नहीं? उस वक्त इलेक्शन का दौर था, पाकिस्तान की आर्मी ने अपनी नाक बचाने के लिए वो किया था। अब शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान आर्मी इलेक्शन लड़ रही थी, बिजी थी भाई, मुझे समझ नहीं आती भी, मैं तुझे कैसे समझाऊं,
कैसे इलेक्शन आवाम का तो हुआ ही नहीं। किसका हुआ? ये तो सिलेक्शन थी, जिसको सिलेक्ट कर लेना था, बस दुनिया को दिखाना था कि ये बंदा है जो पूरे मुल्क से लीड करके आया है, ए जी अवाम की वजह से जीत के आया, अवाम की वोटों की ताकत से आया है। आया पहले तो पता तो वरना सब कोई है जिस तरह वो आया है। नहीं यकूब क्या इनके पास नंबर क्या मुकम्मल है? किन के पास? क्योंकि 74 है। अच्छा मैं बता के पीपी के 54 55। मैं बता देता हूँ, ना शवाज नवाज शरीफ जीता है, ना मरियम नवाज जीती, कली है दोनों सीटें हार गया नवाज शरीफ 70-80 हजार के लीड से, सारी सीटें हार गए हैं मरियम नवाज भी, महमूद रशीद भी, साद रफीक भी, हनीफ वासी भी, राणा सनाउल्लाह भी, अहमद शेर अली भी, मतलब है मैं कितनों के नाम लूं, सारे हारे हैं, पूरे पूरे जिले हारे हैं, जिले हार गए हैं। तो एक बंदा जीता अपनी सीट, वो मियां शहबाज शरीफ, जो हकीकत जीता भी है, जिसको हम तस्लीम भी करते हैं, लेकिन उस एक सीट से वजीर आजम तो नहीं बन सकते। नहीं यार वजीर आजम बनने के लिए 179 180 180 सीटें चाहिए, तो उनके लिए इनके पास इन पार्टी को मिलाकर भी इतनी सीटें नहीं बनती। वो जीते कैसे हैं, जैसे अब क्या है तुझे मैं बताऊं यार, फिर तुझे पता भी है अभी यूट्यूबरों को पकड़ा जा रहा है, इमरान रियाज साहब को भी दूसरा दिन हो गया पकड़ा गया है। चले उसको छोड़े तो भाई आज बात ऐसी लंबी होगी तो अभी भी पकड़े जा सकते डाले तो क्या आप ये नंबर गेम जो पूरी हुई है मैं बताता जाऊँ, ये मालकों ने ही किया है, जो पाकिस्तान को चला रहे उन्होंने नमक इतने में कर लिया। चले पाकिस्तानी सियासत तो वैसे छोड़े, अब क्या वो हमारे जो सरबराह है जो हमारी नंबर वन बनती है आर्मी सो कॉल्ड, क्या अब वो ईरान पर ऐसा बोला करें भाई, ईरान पर नहीं करना चाहिए भाई, ऐसा ना बोला करें गुस्सा कर जाएंगे। मत सो कॉल्ड को भाई इमरान का नाम आ गया, ईरान पे नहीं करना चाहिए, वो हम पर करे, वो हम पर करे, ईरान की हुकूमत ने नहीं किया पिछली बार जो भी यार वो कर रहे हैं किया है वो बॉर्डर जो बलोच है बलोच कर रहे हैं भाई पाकिस्तान ने जिस तरह किया था, हाँ जिस तरह हमारे मुल्क में बलोच, आप मुझे बताएं आप ईरान में जाए पैदल आपको जिंदा आने दिया तो मेरा मुझे जो मर्जी शर्त ले लो, जो दूसरे में सॉरी बलोचिस्तान में जाओ, पाकिस्तान की इज्जत नहीं जाने देते ओ भाई, वो तो चुन चुन के मारेंगे आपको। अच्छा हाँ वो बलोच मारेंगे बलोच, इसी तरह ईरान के अंदर भी बलोच बैठे हैं। मुझे मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ बनवाने के लिए आपको तुला ये तो ये मुशर्रफ के दौर के अंदर आप देख लो पीछे थोड़ा सा जाके कि जो ईरान के रास्ते सॉरी बलूचिस्तान के रास्ते ईरान जाते थे बसों से उतार के उनको मारा जाता था। ये भाई जैश उल अदल जो है ना ये पाकिस्तान के हाथ में दूध में ये एक तंजीम है जिस पे उन्होंने अटैक किया था, बिल्कुल, तो बदले में जो पाकिस्तान आर्मी है ना उन्होंने रिटेलिएट किया था ईरान की आर्मी के ऊपर, सिस्तान शहर है वहां पे बलूचिस्तान बलोच रहते हैं, सिस्तान शहर में उन्होंने जाके भी अटैक किया था जिसकी वजह से ऐसे दो कहने के थोड़ा टाइम है ना दो कंट्रीज में पुरसकून माहौल हो चुका था, लेकिन अब दोबारा उन्होंने फिर जैश उल अदल पे अटैक किया तो देखते हैं क्या मेरा एक क्या ऐसा कभी होना तो नहीं चाहिए। एक वैसे नॉलेज के लिए ईरान और पाकिस्तान की वॉर होती है जंग होती है कौन जीतेगा इसमें तुझे फुल स्केल वॉर जिसे कहते हैं टाइगर नंबर तो ये होगी नहीं कभी भी, अगर होगी तो पाकिस्तान वार दिखाएगा उससे, पाकिस्तान ईरान से स्ट्रांग है यार, जो ईरान इतनी तंजीमों को हिजबुल्ला हमास वो यार तेरी गलती है, मैं तुझे सपोर्ट कर रहा हूं गलती है उसी बात की भाई, ज्यादा उनको सपोर्ट रशिया कर रही है, हां ये बात है, मैं तुझे हकीकत बता रहा हूं, उनको ईरान तो एक नाम सामने आया, ईरान अपने आप को दुनिया में बदनाम करवा लिया, बदनाम नहीं वो अमेरिका की खुन्नस में आके ये सारा कर रहा कि मैं सीमा तान के कह रहा हूं मैं करवा रहा हूं। असल अगर कोई ताकत देखनी है तो वो यमन है, जो मुसलमान भी है जिनमें जज्बा भी है वो लड़के भी दिखा रहे हैं फलस्तीन के हक में इसराइल के साथ, वो यमन है, ना सऊदीया है ना पाकिस्तान है ना कतर है ना मिस्र है, कोई भी नहीं, वो वर्ल्ड मुसलमान है, मैं तो कहूंगा वो यमनी है, वो शिये है लेकिन मुसलमान है, वो हक पे लड़ रहे हैं, वो मस्जिद अक्सा के लिए लड़ रहे हैं,
वो अपने नबी के जात पे जो फख्र करते हैं वो करने वाले हैं। मैं अब क्या अपने आप को बोलूं या सऊदी अरब को बोलूं, ये सब मुनाफक है। ये तो ये ईरान और पाकिस्तान तो पाकिस्तान बातें करता था, आज कहां है पाकिस्तान की फौज, आज कहां है पाकिस्तान के सियासतदान, जब वो बच्चे बेगुनाह मारे जा रहे हैं। चलो यकूब भाई बात इतनी सी, लेकिन हमें ईरान, लेकिन ईरान कमजोर है पाकिस्तान की आर्मी की निस्बत, पाकिस्तान स्ट्रांग है। मिलता है नई वीडियो में, नाटक सा, तब तक दीजिए इजाजत।